डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कन्हार गांव में हजारों ग्रामीणों ने आज पक्की सड़क की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। डोंगरगढ़ तहसील ऑफिस पहुंचकर कन्हार गांव से कारवारी होते हुए डोंगरगढ़ तक आने वाली सड़क और टूटे हुए नहर नाली की मरम्मत की मांग की गई। इस संबंध में कन्हार गांव के निवासी जैन कुमार और मिश्राश्रम ने बताया है कि जो सड़क बनी है वो बीच बीच में अधूरी बनी है, जिससे लेकर ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है। आपको बता दें कि कन्हार गांव के वासियों ने टूटी नहर नाली और कन्हार गांव से करवारी होते हुए डोंगरगढ़ मार्ग होते हुए डामरीकरण के लिए राशि स्वीकृति हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम ज्ञापन सौंपा। ये जो कन्हार गांव से करवारी लतमारा होते डोंगरगढ़ जो सड़क मार्ग है, उस संबंध में क्योंकि जो सड़क बना है वो बीच बीच से अधूरा बना है। जैसे कन्हार गांव से अपन निकलते हैं, देवट्टा रोड तक पक्का है, वहाँ से लतमारा तक फिर 500-600 मीटर कच्चा है। लतमारा से संडी जो चौक है वहाँ तक फिर पक्की सड़क है, उसके बाद संडी से करवाड़ी रोड तक फिर कच्चा रोड है, और करवाड़ी से डोंगरगढ़ तक पक्का सड़क बन चुका है। तो हम शासन से माननीय डीएम साहब के द्वारा शासन को अवगत कराएं, तो वो जो रोड है कन्हार गांव से डोंगरगढ़ वो पूरा के पूरा पक्का सड़क बने। आज ज्ञापन जो है ग्राम पंचायत कन्हार गांव के ग्रामवासियों द्वारा जो है देवकट्टा जलाशय के टूटी नहर के निर्माण मरम्मत हेतु एवं जो है कन्हार गांव से करवारी हेतु हुए जो डोंगरगढ़ मार्ग है उसमें डामरीकरण हेतु जो है राशि स्वीकृत करने के लिए ज्ञापन जो है अनुभागीय अधिकारी राजस्व महोदय के नाम पर सौंपा गया है।